छोटे से बच्चे के कंधे पर जीवन के बस्ते का जोर पड़े, जब सपनों के बादल गगन से संघर्ष बनकर बरस पड़े, जब बूंद बनकर चुनौतियां रूह रूह को छू जाए, तब भरोसे का छाता बनकर आत्मविश्वास को जो बचाता है, तब भीगने के डर को सर करना जो सिखाता है, उसी को ये व्यवस्था हर पल तोड़कर मरोड़कर बताता है। ये कहानी मेरी है, आपकी है, इस समाज में व्यवस्था के शिकार बने मेरे हर दोस्त की है। मेरा भी बचपन एक सुंदर सा सपना हुआ करता था। वो कहते हैं ना कि शिक्षा, सीख और ज्ञान ये ऐसा धन है जो दुनिया के अंगारों के सामने टिकने के लिए हमारे सर का छाता बन जाते हैं। मैंने भी अब तक इस छाते का निर्माण कर लिया था, पर मुझे पता न था कि जिंदगी में एक ऐसी चोट लगेगी जो मेरे सपनों को, मेरे इस छाते को तहस महस कर देगी। वो घड़ी थी मेरे टेंट का रिजल्ट। क्या बे? चल खेलने जाते। नहीं यार, मुझे नहीं आना, तू जा। भाई क्या हुआ? क्यों था दुखी? यार इतनी मेहनत करने के बाद मुझे 80% आए और इसका अंजाम क्या? जहाँ मुझे जाना था वहाँ तो मुझे एडमिशन ही नहीं मिला। अरे मुझे तो 60 में मिल गया। छोड़, चल तू पढ़ना ही है। और तब भी मैं टूटा, पर फिर से मैंने खड़े होने की कोशिश की, फिर से सपना देखने की गुस्ताखी की, और तब चुनौतियां मेरे 12th के रिजल्ट की थी। यार इस बार फिर से किस्मत ने धोखा दे दिया। इतने अच्छे परसेंटेज आने के बावजूद जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलना चाहिए था वहाँ मुझे एडमिशन नहीं मिला। जा जा, इससे ना हो पाएगा। तू पढ़ पढ़। ये व्यवस्था है या लोगों के भविष्य का व्यापार करता कारखाना? अगर यही चलना था तो ये जीवन ही क्यों दिया? वहां भी जनरल कैटेगरी वालों को मार देना था। बस अब बहुत हुआ, अब मुझे नहीं पढ़ना, अब मुझे कुछ नहीं करना। ये सोच मेरे विचारों में आए उससे पहले मुझे एक बचपन की सीख याद आई कि ये तो संघर्ष की शुरुआत है और मैं इस हारने वालों में से नहीं हूँ। मैंने फिर से शुरुआत की आगे बढ़ने की, पर फिर से मेरे साथ वही धोखा होने वाला था। मेरे इस छाते में एक और छेद पड़ने वाला। यही होता होगा उन लोगों के साथ जो आरक्षण के आंदोलन को अपना हथियार बना लेते हैं। शायद यही होता होगा उन युवाओं के साथ जिनके सपनों का बुलबुला इस व्यवस्था की वास्तविकता से मानो फूट जाता है। और तब होता है कि हम भी इंसान तो थे काम के, पर इस समाज ने, इस व्यवस्था ने निकम्मा बना दिया। अब आप ही सोचिए कि ये होना चाहिए या नहीं।